बनना चाहती हैं, या महिलाएं या पुरुष कोई भी उद्यमी बनना चाहते हैं, हम जेंडर से ऊपर उठ चुके हैं। हम उद्यमी उद्यमिता में अब हम लोग जेंडर में नहीं जा रहे हैं। वो दया और इसके अचार बरी पापड़ इन सब चीज को लेते हुए हम लोग इस चीज से जेंडर से भी ऊपर उठ गए इस मेला में कि हम सब कुछ कर रहे हैं। और सारे पुरुष भी हमारे बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हमारे इस मेला में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपको BIA के भी कम से कम 10 लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो भोजपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आरा से, कैमूर से, मतलब भागलपुर से, गया से, मानपुर से सारे आपको दिखेंगे पुरुष सारे PMS स्कीम के तरह वो भी लगा रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ जो हमारे लिए गर्व की बात है कि सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, उद्योग विभाग, DCH, MSME, NSIC सबके स्टॉल्स वहाँ रहेंगे। आपको सारे बैंक रहेंगे। हम लोग एक साथ सब कुछ ला रहे हैं। वहीं पर एट ए टाइम उद्यमी रजिस्ट्रेशन भी लोगों को कराएंगे। और 12 से 3 हमारा 400 चेयर हम लगा रहे हैं, जिसमें कि दिन 12 से 3 सिर्फ और सिर्फ आप कैसे उद्यमी बने, आपको ऑर्डर हम बाहर से इन्वेस्टर्स मीट भी करवा रहे हैं, ऑर्डर कैसे मिलेगा, बड़े बड़े कंपनी के मालिक को बुला रहे हैं कि हमारी जो महिला स्टिचिंग यूनिट और बड़ा बड़ा ये लगा के बैठी है, महिला पुरुष कुछ नहीं, हमारे बिहार में आप कैसे ऑर्डर दे देंगे, ये विश्वास और इसकी गारंटी WECS ले रही है कि आप हमें ऑर्डर दीजिए और आपको रेट, क्वालिटी, क्वांटिटी के साथ WECS की गारंटी है कि हम आपको पूरा करेंगे। और समापन के समय समापन 5 को होगा और रोज दिन जो 4 से 8 कार्यक्रम सांस्कृतिक होगा वो भी हमारी महिला उद्यमियों का ही विशेषता है जो हम बताना चाह रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि पहली बार बिहार से बाहर देश और इंटरनेशनल लेवल की जो महिला उद्यमियों की संस्थाएं हैं उनके हेड या उनकी पूरी संस्था के तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव साथ आ रहा है। और ये मतलब हमें तो लगता है कि आप लोग भी अगर साथ दें तो हम इसको और ज़्यादा फैला सकेंगे। तो खास खास व्यवस्था को ज़्यादा बताइए, सिर्फ वो खरीद बिक्री और मेला इसको थोड़ा इसको आप लोग के तरफ से भी अपर लेवल पर ले जाया जाए कि खरीद बिक्री मेला के साथ आप उद्यमी अस्थाई कैसे बने या करें। और इस मेला के बाद हम लोग हर जिला के स्तर पर उतर रहे हैं और ये सलाना तो होगा, ये बिजनेस मीट हो रहा है, मेला और सिर्फ खरीद बिक्री नहीं हो रहा है। हमारा गुजरात से जो आ रही है कई सारी उन लोगों का ये कहना, हमारा करीब करीब 10 संस्था से MOU हो रहा है और वो जो जो गुजरात और बाहर बाहर से आ रही हैं उनसे अभी ये हो रहा है कि आप अपने सारे आर्टिजन को कम से कम बोलिए कि वो ये रखें, सैंपल्स रखें, हम लोग होलसेल कोलैबोरेट करके होलसेल ऑर्डर लेंगे और इसको विदेश में ले जाएंगे, हमारे आर्ट को आप बेचिए, आपके आर्ट को हम बेचेंगे। तो हम पर्सनल लेवल पर ये सब कोशिश कर रहे हैं, हो रहे हैं, इसका बहुत सारा फायदा है। जैसे कि अगर आप इंडिया में कहीं भी भाग लेते हैं तो साल में 2 एग्जीबिशन आप भाग ले सकते हैं और सारा खर्चा जो है सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। अगर आप चेन्नई में भाग लेते हैं तो यहाँ से आने जाने का आपका एयर फेयर या 2 AC और सामान ले जाने का जो जो भी वे हो, चाहे ट्रांसपोर्ट से हो या रेल से हो, उसका भी सरकार देती है। और आपके पब्लिसिटी हेड में अगर आप बैनर बनाते हैं, ब्रोचर बनाते हैं, स्टैंडिंग बनाते हैं, कोई भी पब्लिसिटी हेड में होगा उस पर अप टू 25,000 तक 100% सबको दिया जाता है। और स्टॉल के लिए महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, विकलांग उनको 100% और अन्य केवल समान जाति को 80% अनुदान दिया जाता है। तो ये बहुत लाभप्रद स्कीम है सरकार की। और इसका इसमें शामिल होने के लिए किस तरह के लोग या इसमें ये शामिल होने के लिए इसकी एक स्कीम है, PMS पोर्टल हमारा है जो डायरेक्टली DCMSME.gov.in खोलेंगे, उसमें MSME ऐप में MSME में जाएंगे, MyMSME है, उसमें PMS पोर्टल में से ब्लॉक बना हुआ है, उस पर जस्ट क्लिक करेंगे, उद्यम नंबर अपना डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, उनका मेल पर OTP आ जाएगा और OTP जैसे ही वो डालेंगे तो उनका एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा और बहुत सारा डॉक्यूमेंट जो है उनका जो डिटेल्स वो डाला रहेगा, केवल जो जैसे कि आप ISO हैं कि नहीं, पेटेंटेड हैं कि नहीं, और आपको जो स्टॉल का जो रिसिप्ट मिला है वो रिसिप्ट आपको अपलोड करना होगा और किस डेट को रिसिप्ट इशू हुआ है,
वो डेट डालना होगा, उसके बाद आप कैप्चा डालिए, सबमिट करिए, आपका एप्लीकेशन हमारे कंप्यूटर में आ जाएगा, हमारे एमएसएमई डीआई में दिखाएगा, बेसिकली विक्रय कर सके और उसके बाद उनको एक एक्सपोजर मिले। अभी हमने आईएलटीएफ में 11 लोगों को भेजा, आईएलटीएफ में 11 लोगों को भेजा है प्रगति मैदान दिल्ली में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट महिलाओं का था। मेन उद्देश्य होता है कि हम उसको एक अलग से एक्सपोजर दें, उसको अलग से एक प्लेटफॉर्म दें जिसके तहत अपने वो एक्टिविटीज को ला सकें। और हमारी एक्टिविटी जैसा कि विदित है कि भारत सरकार की एक्टिविटी जो एमएसएमई मंत्रालय के तहत की जाती है, उसमें हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं एमएसएमई के लिए। उस एक्टिविटीज को अगर मैं मोटे तौर पर बताऊँ तो उद्यम रजिस्ट्रेशन होता है, जिसमें उद्यम रजिस्ट्रेशन हो जाने के पश्चात केंद्र सरकार की जितने भी विभाग हैं, जितने भी मंत्रालय हैं और जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैं, वो सब में 25% खरीदारी सुनिश्चित की जाती है। और ये कैबिनेट, भारत सरकार के कैबिनेट का डिसीजन नहीं है, तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है। उसके बाद हम लोग उसको विदेश में भेजते हैं, 10-10 उद्यमियों का एक अगर ग्रुप बन जाए तो उसको विदेश भेजते हैं, और विदेश में उनके आने जाने का खर्चा, उनके स्टॉल का खर्चा वो हम लोग देते हैं। तो एक एक्सपोजर्स के लिए ये सब सारी बातें होती हैं। फिर हमारा चैम्पियन पोर्टल है जो भारत सरकार कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने उनका उद्घाटन किया है। इसमें क्या है कि एमएसएमई जनरली बड़ी छोटी इकाइयाँ होती है, वो सामर्थ्य नहीं होती है कि हर चीज़ को वो लड़ाई करके अपने अधिकार को पा सके। तो एक एमएसएमई एक चैंपियन पोर्टल्स लॉन्च किए थे प्रधानमंत्री मोदी ने, उसमें था कि अगर एमएसएमई की किसी तरह की परेशानी आती है, चाहे उसको क्रय से संबंधित परेशानी हो, चाहे विक्रय से संबंधित परेशानी हो, चाहे तकनीकी परेशानी हो, या कोई शिकायत हो, गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज, जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।